अब जो है हम अपने इस खेत में धनिया बीज लिया है, तो हमने जो यहाँ अपना चीलू की पत्तियों का बोझा बना लिया है और इसको लेके हमने जाना है अपने खेतों की तरफ। तो अब जो है भाई भी वाला खेत हल लगा के फ्री हो चुका है, ये भी बैलों को खोल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी जो आ गए हम अपने खेतों के बीच, तो मैंने पिछले ब्लॉग्स में आपको दिखाया था कि हमने खेत तैयार किए थे। एक खेत में हमने खीरे लगा दी थी और दूसरे खेत में हमें लगाना है धनिया, हरा धनिया। चलो दिखाते हैं आपको। तो ये है वो खेत जिसमें हमने धनिया लगाना है। तो अभी आ गए हम अपने खेतों के बीच, हमें इसकी साइडें बनानी है और क्यारियाँ बनाने के बाद इसमें हमने धनिया लगाना है। तो मैं यहाँ जो हूँ धनिया का बीज लाया हूँ अपने साथ, चलो दिखाएंगे आपको हमने क्या करना है। अभी जो हमने इसमें पहले इसकी खेत की साइडें बनानी है, कुछ इस तरीके से इसके लिए बना देनी ऊपर नीचे दोनों तरफ से। तो ये जो बरसात में इस खेतों में पानी बहुत आता है, इसलिए हम इसकी साइडें थोड़ी ऊंची बनानी पड़ती है। तो हमने ये साइडें बनाने के बाद इसके बीच में क्यारियाँ बनानी है, फिर क्यारियों के बीच में धनिया रोप देना है। चलो दिखाएंगे अभी आपको, पहले बना लेते हैं इसकी साइडें। अभी जो है हमने इस खेत की सारी साइडें बना ली है, अब बीच में हमने कुछ क्यारियाँ बनानी है जिसमें हमने धनिया लगाना है। चलो पहले क्यारियाँ बना लेते हैं इसमें छोटी छोटी। अब जो हमने इस खेत को लगभग 3-4 क्यारियों के बीच बांट देना है। छोटा सा खेत है ये, वैसे तो छोटा है पर धनिया इसमें काफ़ी हो जाता है अगर सही तरीके से होने लगे तो। इसमें लगभग 80-90-100 किलो के आसपास हरा धनिया निकल जाता है। तो इसको अभी जैसे हम अभी लगाएंगे तो इसको तैयार होने में लगभग 1.5-2 महीने में ये धनिया जो होता है हमारा बेचने के लिए तैयार हो जाता है, काफ़ी जल्दी ग्रो कर लेता है। आजकल गर्मी होती है ना, जैसे इस बार तो ऐसे बरसात जल्दी हो रही है, पर अगर धूप अच्छे से लगे तो ये काफ़ी जल्दी ग्रो कर लेता है। तो हमने कुछ इसी तरीके से पूरा खेत है जो अपना 4 हिस्सों में हमने डिवाइड लगभग कर लिया है। तो ये जो साइडें बनाते हैं हम इसके लिए बनाते हैं कि बीच में जब हमने धनिया वगैरह निकालने के लिए जाना होता है तो इसमें धनिया निकालना ईजी रहता है, उस लिए हमें बीच की क्यारियाँ जैसे बना रहे हैं। तो चलो इसकी पहले साइड है जो क्यारियों की ऊपर की साइड है, इसको सीधी करने के बाद हमने इसमें धनिया रोपना है। चलो दिखाएंगे अभी आपको हमने किस तरीके से इसमें धनिया लगाना है। पहले ये क्यारियाँ सीधी कर लेते हैं। अब जो है हम अपना क्यारियाँ बना के फ्री हो चुके हैं और अब हमने लगाना है इस खेत में धनिया। चलो लगा लेते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, अब जो हम कुछ अपने इस तरीके से हमने इस खेत में 1-2-3-4 क्यारियाँ बना ली है और अब इस क्यारियों के बीच हमने बीजना है धनिया, जो पैकेट हमने यहाँ रखा है ये खोल के बाज़ार से लाए हम खरीद के, चेरी और धनिया है। चलो बीज लेते पहले इसको पूरे खेत में अपने। अब जो है हमने इस खेत में अपने धनिया बोना शुरू कर दिया है, तो हमने ऐसे हाथ के साथ केवल बिखेरना है ऊपर से। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो मतलब लाइनों में धनिया लगाते हैं या कुछ लाइनें लगा के लगाते हैं, मैसिन लगाते हैं, हम डायरेक्ट क्यारियाँ बना के उसके ऊपर पूरा धनिया बिखेर देते हैं। और उसके बाद धनिया बिखेरने के बाद हमने इसको हाथ से ही इसके ऊपर हल्की हल्की मिट्टी डालनी है, ज़्यादा गहरा नहीं जाना चाहिए। अगर ज़्यादा गहराई में चला जाता है तो ये उग नहीं पाता है सही तरीके से। तो हमने इसको ऊपर ही हल्का हल्का मिट्टी के साथ अभी इस पूरे बिछाने के बाद हल्का हल्का हाथ के साथ इसको इसके ऊपर मिट्टी चढ़ा देनी है ताकि जो पंछी वगैरह भी इसको ना खा पाए। और तो अब जो हमने इसमें खेत में धनिया बीज दिया है और इसको हमने हाथ के साथ, ये आपको नीचे हल्के हल्के दाने दिख रहे होंगे धनिया के ही है, तो हमने हाथ के साथ मिट्टी में दबाना है कुछ इस तरीके के साथ, दिखाएंगे आपको।
अब जो है हमने अपने इस खेत में धनिया बो लिया है, और इसके बाद इसको हमने कुछ इस तरीके के साथ, हाथ के साथ केवल हल्की हल्की मिट्टी में दबा देना है हाथ के साथ ही, तो ये ज़्यादा गहराई में नहीं जाएगा, जिस वजह से ज़्यादा जल्दी उग जाता है ये, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएगा। अगर ज़्यादा गहरा चला जाए तो फिर ये उग नहीं पाता है। तो हमने हल्का हल्का पूरा खेत कुछ इसी तरीके के साथ, हाथ के साथ धनिया मिट्टी में दबा देना है। अब जो है हम अपने इस खेत में धनिया बीज लिया है, और अब इसके बाद जो हमने इसके ऊपर बिछाना है चीलों की पत्ती है, बिछावन जिसे बोलते हैं। तो चलो अभी तो इकट्ठा करना पड़ेगा, वो तो अभी टाइम है, मैं चलता हूँ बिछावन इकट्ठा करने। और भाई जो है पर एक तरफ खेतों में लगा रहा है हल, इस खेत में भी हमने धनिया लगाना है। चलो चलते अभी घर की तरफ, वहाँ से हमने सामान लाना है बिछावन इकट्ठा करने का। चलो चलते हैं घर की तरफ। तो अब आ गए हम घर से ऊपर, यहाँ ये हमारे चीलों का जंगल, यहाँ तो कम में फिर भी चीले पर जो इसके नीचे बिछावन का ढेर पड़ा है, ये हमारा नहीं है वैसे, पर इस चीज़ के लिए कोई मना नहीं करता एक दूसरे का लेने के लिए, क्योंकि बहुत होता है हमारे ढेर लगे पड़े हैं यहाँ। तो हमने इसका बोझा लगा के ले जाना खेतों की तरफ। चलो लगा लेते इसका बुझा। तो हमने जो यहाँ अपना चीलों की पत्तियों का बोझा बना लिया है, और इसको लेके हमने जाना है अपने खेतों की तरफ, लास्ट यहाँ नीचे। तो चलो चलते हैं खेत की तरफ। अब जो आ गए हम अपने खेत की तरफ, आ गए अपना चीलों की पत्ती का बोझा लेके, यहाँ हमने इसको रख लिया है, और अब इसको हमने पूरे खेत में बिखेर देना है। ये हमारा इसलिए बिछाया जाता है इसके ऊपर क्योंकि इसकी वजह से जो है ना धनिए में जो होता है हमारे घास वगैरह नहीं उग पाती, केवल धनिया ही धनिया उगता है। तो हमने कुछ पूरे खेत में इसी तरीके के साथ हमने ये जो चीलों की पत्तियाँ है हमने बिछा लेनी है, तो इससे हमारा धनिया भी ख़राब नहीं होता। जैसे बारिश होती है बरसात में, तो फिर बरसात में नहीं तो अगर मिट्टी में धनिया रहेगा तो फिर ख़राब हो जाता है, पर इसके लिए बिछावन हो जाता है, तो एक तरीके से धनिया की पत्तियाँ भी ख़राब नहीं होती है और साथ में इसमें घास भी पैदा नहीं होता, तो इसके हमारे डबल फायदे होते हैं, मेहनत कम होती है। और फिर नहीं तो फिर अगर हम इसमें अगर बिछावन वगैरह नहीं बिछाएंगे तो हमारे को ये जो सारा घास होता है पैदा होता है इसमें निकालना पड़ता है हाथ के साथ। चलो तो हम होने वाले फ्री इसमें बिछावन बिछा के। तो हमारे अभी एक खेत और रहता है जो अभी भाई हल लगा रहा है उसमें, तो उसमें भी हमने इसी तरीके के साथ धनिया बोना है। सभी जो मैं पूरा खेत धनिया का इसमें लगा के फ्री हो चुके हैं, हमने इसके ऊपर बिछावन भी बिछा दिया है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसमें बिछावन बिछा दिया ऊपर से। ये बिछावन इसलिए बिछाते हैं कि ताकि जो इसमें केवल धनिया ही उगे ऊपर को, बाकी खरपतवार नहीं उगता इससे, तो घास कम होती है इसीलिए हम इसको बिछाते हैं। तो चलो इस खेत को तो हम करके फ्री हो चुके हैं, अब कब पर है हमारा छोटा सा खेत रहता है वो करेंगे शाम को, और अभी टाइम हो रहा है 6:30। तो चलो आज थोड़ी जल्दी फ्री हो गए क्योंकि हमारे घर के पास ही सारा काम था। चलो चलते हैं घर की तरफ। तो जो है भाई भी वाला खेत हल लगा के फ्री हो चुका है, ये भी बैलों को खोल रहा है। चलो चलते हैं अब घर की तरफ, होते हैं तैयार ड्यूटी के लिए। तो फ्रेंड्स आज अपनी वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।